morning, student. Today is 7 April 2020, Tuesday. I am Naseema, your science teacher. Today we will discuss about replenishment of nutrients in the soil. It means जो soil है वो अपना nutrition को कैसे replenished करता है ये हम आज पढ़ेंगे. Plant absorb nutrients from the soil. Plants क्या करते हैं? मैंने आपने photosynthesis में पढ़ा था कि water और जो minerals है वो plant कहाँ से लेते हैं? Soil से लेते हैं. So जो nutrients है प्लांट कहां से गेन करेगा? सॉइल से गेन करेगा. रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द सेम सॉइल ईयर आफ्टर ईयर रिजल्टिंग डिप्लीशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. यानी हम क्या करेंगे, सेम फील्ड पे बार बार क्रॉप उगाते रहेंगे. अभी हमने फसल काटी, फिर दूसरी उगा दी, फिर हमने काटी, फिर दूसरी उगा दी, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे. स्टेप्स गिवन बिलो कैन बी फॉलोड टू रिप्लेनिश द सॉइल फर्टिलिटी. अब मैं आपको कुछ स्टेप दिखाऊंगी जिससे हम पता लगाएंगे कि हम मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कैसे दोबारा पा सकते हैं. नंबर वन, कीपिंग फील्ड फैलो. द फील्ड विच इज केप्ड फ्री फॉर अ सीजन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फैलो फील्ड. इट मीन्स हमें क्या करना है, मान लो अभी हमने इस साल फसल उगाई उस मिट्टी पे, तो हम एक सीजन के लिए उस मिट्टी को खाली छोड़ देंगे, यानी उस फील्ड को खाली छोड़ देंगे, कोई भी क्रॉप नहीं उगाएंगे. ड्यूरिंग दिस पीरियड द सॉइल रिजनरेट्स इज लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिट्टी के अंदर होंगे वो इस जो फ्री सीजन हमने छोड़ा हुआ है अपने फील्ड को, उसे क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को वापस लाने में हेल्प करेंगे. जैसे अर्थवर्म हो गया, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, जो कि उस समय क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे और सॉइल को वो सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाएंगे. दिस मेक द सॉइल रेडी फॉर सोइंग द नेक्स्ट क्रॉप. इससे हमारी जो फील्ड है, जो हमारा क्रॉप फील्ड है, वो रेडी हो जाएगी नेक्स्ट क्रॉप को ग्रो करने के लिए. सेकेंड इज क्रॉप रोटेशन. द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप आर ग्रोन अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड और सॉइल इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. इट मीन्स हमें क्या करना है, एक सीजन हमने दूसरी क्रॉप लगाई, दूसरे सीजन हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे. इट मीन्स ऐसी क्रॉप लगाएंगे, जैसे कि फर्स्ट सीजन हमने ऐसी क्रॉप लगाई जो कि क्या है, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए. दूसरे सीजन हमने क्या लगा दी, पल्सेस लगा दिए, लेगुमिनस प्लांट लगा दिए, जिससे क्या होगा, जो सॉइल के अंदर है फर्टिलिटी वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पल्सिस आर ग्रोन बिटवीन टू क्रॉप ऑफ सीरियल्स. यानी पल्सिस को कब उगाना चाहिए, जब हम अनाज उगाते हैं. जैसे हमने फर्स्ट सीजन में अनाज उगाया, फिर दूसरे सीजन में हमने क्या किया, पल्सिस के प्लांट उगा दिया, तीसरे सीजन में फिर हमने अनाज उगा दिया, तो इससे क्या हुआ, जो ये हमने पल्सिस ग्रो किया है इनके बीच में, दोनों सीरियल्स के बीच में जो हमने पल्सिस ग्रो किया है, इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स जो चले गए हैं वो वापस आ जाएंगे. The next is adding fertilizers. Farmer add fertilizers containing nitrogen, phosphorus and potassium to the soil. आपको पता है मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि फार्मर्स यूज करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ताकि जो इनकी फसल है वो क्या हो, बहुत अच्छी हो. नेक्स्ट इज क्रॉप कवर, यानी कवर क्रॉप्स. आफ्टर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन टू रिप्लेनिश द लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल. फार्मर ग्रो लेगुमिनस प्लांट लाइक पीस, ग्राम्स एंड मूंग. द राइजोबियम बैक्टीरिया गेट फूड एंड शेल्टर इन द रूट ऑफ दीज प्लांट. मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ाई थी उसमें आपको बताया था कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये पौधे उसको आसानी से यूज कर सके. सो ये भी एक हमारा अच्छा एग्जांपल है, क्या है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिप्लेनिश करने का. राइजोबियम बैक्टीरिया गेट फूड एंड शेल्टर इन द रूट नोड्यूल ऑफ दिस प्लांट. इन रिटर्न दे टेक द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इन टू सॉल्युबल फॉर्म दैट द प्लांट कैन एब्जॉर्ब. अभी मैंने आपको बताया ये क्या करता है, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये प्लांट आसानी से उसको ले पाते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स. दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड कवर क्रॉप्स. वो क्रॉप्स, वो लेगुमिनस क्रॉप्स को हम क्या बोलेंगे, कवर क्रॉप्स बोलेंगे. ठीक है,
Today we learn about replenishment, the nutrients in the soil. Now you just need to write down these questions and answer them properly by using this video. Stay tuned and take care. Thank you.